प्रोड्यूस करता है। इसके बाद बारी आती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर आप 3D डायग्राम से भी इसको देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो पेयर ऑफ ओवरीज है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट है, ठीक है ओविडक्ट है, उसके बाद यूट्रस है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको यूट्रस बोलते हैं, और है वेजाइना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहला तो यही है कि इट प्रोड्यूस एग्स, इट प्रोड्यूस एग्स। नंबर टू, इट रिसीविंग द स्पर्म एंड प्रोवाइडिंग द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जब स्पर्म को रिसीव करती है, तो उसके बाद जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, तो यहाँ से ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, और यूट्रस में से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, जो कि फिटस के रूप में डेवलप होता है, जिसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है, उसके बाद एग जो है वो ओविडक्ट में पहुंचता है। जब स्पर्म, यहाँ पर देखिए, जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, तब वहां पर जायगोट बनता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये वाला हिस्सा है इसका, ठीक है, थोड़ा और चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ओवरी है, थोड़ा यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए कि जो ओवरी है वो एग्स को प्रोड्यूस करती है, उसके बाद ये जो एग्स है वो कहाँ पहुँचा, ओविडक्ट पहुँचता है। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, यानी व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, तब वहां पर क्या बनता है, जायगोट। अब आगे देखिए आप, ठीक है, इसके बाद में जायगोट आगे ये देखिए, यहाँ पर स्पर्म जो है ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, तब वहां पर क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब जायगोट देखिए आगे अगले वाले प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो जायगोट आगे डिवाइड होता है, और ये आगे जो डिवीजन है वो इस तरीके से चलता रहता है, और धीरे 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 वो यंग वंस के रूप में, यहाँ पर देखिए यंग वंस के रूप में डेवलप होता है। इसके अलावा ये देखिए यंग वंस के रूप में ये डेवलप होता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो ओवरी है वो हार्मोन को भी रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये एग्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा हार्मोन, ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पर हमने बात की, थोड़ा आगे यहाँ पर लेके चलते हैं, कि जो ओवरी है वो हार्मोन रिलीज करती है, तो इसके फंक्शन लिख लेते हैं, उस दौरान हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, फंक्शंस ऑफ ओवरीज। तो फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस एग्स, और सेकंड, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है अच्छे से नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो यहां पर इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लेना, ताकि अच्छे से ये समझ में आपको आ जाए।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़े से पीछे आ जाते हैं कि हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि कहाँ से शुरू होता है, ओविडक्ट से स्टार्ट होता है, जब स्पर्म यानी मेल गैमेट और ओवम यानी फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उनके फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, जब ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वापस से हम इस इमेज का सहारा लेते हैं इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्पर्म, ये देखिए आप, स्पर्म जो है वो स्पर्म और एग की ये जो न्यूक्ली अंदर देख रहे हो आप, आपस में फ्यूज होती है और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। जो सिंगल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन तैयार होता है, जहां पर हमने पीछे इसको देखा था, ये देखिए स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हुए और एक सिंगल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन तैयार हुआ, उसको बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट का जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो बनता है स्पर्म और एग से। स्पर्म यानी जो फ्रॉम फादर, जो फादर का सेल होता है, ठीक है, यानी मेल गैमेट होता है, और एग यानी फ्रॉम मदर, मदर गैमेट या फीमेल गैमेट होता है। इसीलिए जब बेबी जन्म लेता है, यहाँ पर देख सकते हो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मदर जैसी होती है, ठीक है। तो चलिए अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्यों होते हैं। ये जो कहानी है वो शुरू होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। हमने देखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल तैयार होता है उसको जाइगोट कहते हैं, हमने पीछे देख लिया। उसके बाद जाइगोट तुरंत डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये देखा आपने। तो फिर सेल आगे वो फिर डिवाइड होता है और ये प्रोसेस जो है वो बार 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 चलती रहती है और कुछ दिनों तक ये चलती रहती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि यूट्रस यानी वॉम्ब में, यूट्रस यानी कौन सा हिस्सा, ये वाला यूट्रस भी बोलते हैं इसको और वॉम्ब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लस्टर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, जिसको क्लस्टर ऑफ सेल को एम्ब्रियो भी कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो होता है अपने आप को यूट्रस की वॉल में प्लांट कर देता है, ठीक है, और वहां पर कंटिन्यू डिवाइड होता है। और जब ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, तो करेंगे क्या वो, तो आगे हम चलते हैं कि ये जो क्लस्टर है आखिर ये कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेंगे क्या, तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो आप हेड, फिर धीरे धीरे करके आईज, धीरे धीरे करके नोज बनेगा, धीरे धीरे करके जो है इसके बाकी बॉडी पार्ट्स जो है वो बनेंगे। तो इसीलिए ये सेल का जो डिवीजन है वो इतने टाइम तक वो चलता रहता है। और जब ये एक स्टेज, अब एम्ब्रियो क्या है, एक स्टेज में पहुंच गया है, तो अब इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए, आप इसको पहचान सकते हो कि ये इसका सर है, ये इसका पैर है, ये इसका माथा है, ठीक है, नोज है इसका ये। तो जब ये बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई होते हैं तो इसको बोलते हैं फीटस, फीटस। और जब फीटस, अब यहां पर ये पूरी तरीके से क्या है, आइडेंटिकल है, और जब ये फीटस जो है वो जन्म लेता है तो तब इसको बोलते हैं इन्फेंट,
इन्फैंट। ठीक है, तो ये थी एक